हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये विज्ञान का लेक्चर नंबर 21 है। अभी तक हम टोटल 20 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि एमपी पुलिस 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसके लेक्चर है ये। और हर लेक्चर में हम टोटल 100 क्वेश्चन प्लस ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन तो होते ही है, साथ में इसमें जो एक्स्ट्रा डिटेल होती है तो कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन चले जाते हैं, ठीक है। और यदि ये सीरीज आप कंटिन्यू रखते हैं तो एग्जाम तक समथिंग 100 से 120 लेक्चर इसके हो जाएंगे, और जिसमें हम कम से कम 3000 क्वेश्चन तो डायरेक्टली डिस्कस कर चुके होंगे, और इसमें डिटेल के साथ अगर देखें तो 15000 क्वेश्चन समथिंग होते हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। और आगे चल के मैं एक समथिंग 300, 400, 500 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का वीडियो बना दूंगा, जो कि साइंस से रिलेटेड होंगे। और यदि गलती से भी कोई न्यूमेरिकल अगर पेपर में आता है या अगर 10th तक का सिलेबस उसमें उठाते हैं तो वो सारी चीज़ें आपसे वहाँ बनेगी, ठीक है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और ये डेली लेक्चर अपना रात को 9 बजे अपलोड होता है, आप इसे याद रखें, ठीक है। तो अगर आप उसी समय पे देखते तो एक कंटिन्यूटी आपकी बरकरार रहेगी और एक परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब आपको पता रहेगा कि इसी टाइमिंग पे लगाना है। तो आज के इस लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन होगा 591 नंबर का। इसका ये मतलब है कि पीछे हम जो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं उसमें 590 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आज की रेगिस्तानी पौधे, ठीक है, रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो रेगिस्तान होता है उसमें उगते हैं क्या, आपने वो देखे होंगे, ठीक है, वो कांटे वाले जो पौधे होते हैं उन्हें बोला जाता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहे उनके, कैक्टस वगैरह, है ना। तो उसमें जो बाहर जो पौधे होते हैं उसमें एक मोम जैसी परत पाई जाती है उन पौधों में, उनकी पत्तियों में। तो वो क्या होता है वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है सेलुलोज, सेकेंड ऑप्शन है क्यूटीन, थर्ड ऑप्शन है पैकेटिन और फोर्थ ऑप्शन है लिग्निन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, क्यूटीन पाया जाता है। मतलब जो रेगिस्तानी पौधों के बाह्य त्वचा पर जो मोम जैसा पदार्थ होता है वो क्या होता है, तो क्यूटीन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। एक चीज़, अगली चीज़ आप ये याद रखना कि जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थली पौधे होते हैं उसे कहा जाता है जीरोफाइट, ठीक है। मतलब उष्ण कटिबंधीय मरुस्थली पौधे होते हैं उसे जीरोफाइट कहा जाता है। और पादप कोशिका जो होती है, ठीक है, जो भी पादप कोशिका होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ये आपको याद होगा, नहीं भी होगा तो इसे याद रखिए कि पादप कोशिका किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और दृढ़ ऊतक की कोशिका, देखो जैसे जो भी कोई पौधा होता है और उसकी बाहर की जो छाल होती है वो थोड़ी मजबूत होती है, तो वो किसकी बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। आपको याद रखना है कि कोई भी पेड़ की, जिसे हम बोलते हैं दृढ़ ऊतक बोलते हैं, या बाहर की जो छाल होती है, ठीक है, जिसमें तना के बाहरी परत, तो बनी होती किसकी, लिग्निन की, ये आपको याद रखना है। मतलब ये लिग्निन है, इसमें पौधे की बाहरी परत बनती है। और जो कवक होता है, ठीक है, कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है, ये आपको याद रखना है। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 592 कि कार्बन परमाणु के बारे में C6H12, ठीक है, C6C12 से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो देखो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। तो देखो 6C12 का ये मतलब है कि ये जो 6 है ये प्रोटानों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्रोटान को रिप्रेजेंट करता है कौन, ये वाला 6, ये, ठीक है। और ये जो 12 है वो प्रोटान प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग है 12, ठीक है, क्लियर है। तो प्रोटॉन की संख्या 6 लिख देंगे तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या बराबर से कितना है 12, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो 6 है वो प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो या तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा आंसर, ठीक है। और ये 12 क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ये 6C12 है ना, तो मैंने ये कहा कि 6C12 है, तो ये प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोटॉन तो यहाँ पर भी देखो 6 है और यहाँ पर भी 6 है, और 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परमाणु द्रव्यमान, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर से कितना है 12, तो प्रोटॉन की संख्या 6 और यह न्यूट्रॉन बराबर से 12, तो 6 का पक्षांतर करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये 6C12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 593 नंबर का कि 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति कितनी है। तो देखो एक वस्तु है, समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो 80 kg की एक वस्तु है, 40 मीटर तक उसे ऊपर उठाना है, ठीक है। तो 40 मीटर तक ऊपर उठाना है तो एक स्थिति जुड़ जाओगी क्या, MGH, समझना, थोड़ा न्यूमेरिकल में अगर आप दिमाग लगाओगे तो चीज़ें समझ में आएगी। तो 80 kg की वस्तु है, 40 मीटर ऊपर उठाएंगे तो MGH फॉर्मूला लगेगा, जिसमें स्थिति जुड़ जाओगी, और कितने समय तक उठाना है, 50 सेकेंड तक।
तो अगर स्थितिज ऊर्जा में समय का भाग दे दे तो आ जाता है शक्ति, ठीक है? क्या आ जाता है? शक्ति। तो आप याद रखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में अगर समय का भाग दे तो आता है शक्ति, तो शक्ति बराबर से mgh अपॉन t होगा। तो m का मान कितना है हमारे पास? 80। g का मान हमेशा 10 लेना आप, ठीक है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान। और h का मान कितना है? 40। कितने सेकंड तक उठा रहे हैं? तो 50 सेकंड तक। 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है? तो 4 दुनिया 8, 8 64 आ जाएगा और 1 0 आ जाएगा, मतलब आ कितना जाएगा? 640 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है? मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड क्या हो जाएगा, सॉरी 93 का है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। राइट आंसर कितना? 560, 540, सॉरी 640 जूल पर सेकेंड आ रहा है ना। तो एम जी एच अपॉन टी जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 640, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। तो आप इसे याद रखिएगा कि शक्ति बराबर से स्थितिज ऊर्जा बटे समय होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 594 की एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है, ठीक है? 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 4 मीटर विस्थापित होती है, तो इस पर किया गया कार्य कितना है, हमसे ये पूछा गया है। तो कार्य बराबर से W बराबर से क्या होता है? F इंटू डी होता है, ये आपको याद रखना है। कार्य बराबर से, ये W का मतलब है कार्य, F मतलब है बल और D मतलब है विस्थापन। तो बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 40। डी का मान मतलब होता है विस्थापन, ठीक है? तो ये कितना जाएगा? 4। और ये किया गया कार्य, तो W बराबर से 4 चौक कितना? 16। तो कितना जाएगा? 160, ठीक है? कितना जाएगा, सॉरी ये कितना है? 60 न्यूटन, सॉरी 60 है, तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। तो 240 जूल कार्य होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा क्या? राइट आंसर। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है 595 नंबर का, कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? मतलब ऐसा भाग डीएनए का जो प्रोटीन के बारे में जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है क्रोमोजोम, सेकंड ऑप्शन है नाभिक, थर्ड ऑप्शन है केंद्रक और फोर्थ ऑप्शन है जीन, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जीन। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए होता है जिसमें प्रोटीन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, उस भाग को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है? और अब जीन की बात हुई है, तो जीन का ये क्या होता है? जीन की जो खोज की गई थी वो जोहानसन ने करी थी, आपको याद रखना है कि जीन की खोज कौन ने करी थी? जोहानसन ने करी थी, और कब करी थी? तो 1909 में की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 596 नंबर का, कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो हर बार मैं डिस्कस करता हूँ कि स्थितिज ऊर्जा को हम क्या लिखते हैं? एम जी एच लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर होगा क्या? राइट आंसर। और गतिज ऊर्जा की बात होती है तो 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा का समीकरण है और ये स्थितिज ऊर्जा का समीकरण है, ठीक है? ये दोनों चीज़ें आप याद रखोगे। और एक संवेग और गतिज ऊर्जा का संबंध होता है, ठीक है? संवेग और गतिज ऊर्जा का, तो गतिज ऊर्जा बराबर से होता है पी का स्क्वायर अपॉन 2m, तो पी है यहाँ पर संवेग, तो संवेग का वर्ग अपॉन 2m बराबर से गतिज ऊर्जा होता है। तो 3 समीकरण आपको याद रखना है, एक mgh स्थितिज ऊर्जा, 1/2 mv² ये गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में संबंध होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर से पी का वर्ग अपॉन 2m होता है। तो 3 समीकरण जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बेसिकली बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 597 नंबर का, कि कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? ठीक है, जो कालाजार एक बीमारी है, इसके लिए कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है, हमसे बताना है। तो पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन, सेकंड ऑप्शन है अधोमुखी युग्मक विखंडन, थर्ड ऑप्शन है गुणक विखंडन और फोर्थ ऑप्शन है रैखिक युग्मक विखंडन, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, कि अधोमुखी युग्मक विखंडन कारण है कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का, ठीक है? ये चीज़ें आपको याद रखना है। और कालाजार क्या होता है, किससे होता है, या अगर आप याद रखो तो जो कालाजार बीमारी है ये होता है प्रोटोजोआ से, किससे होता है? प्रोटोजोआ से। और अगर प्रोटोजोआ का नाम पूछ ले कि कौन सा प्रोटोजोआ से होता है कालाजार, तो होता है लिस्मानिया डोनावानी, ठीक है? लिस्मानिया डोनावानी नामक प्रोटोजोआ से होता है कौन सा कालाजार, ये दो चीज़ें आप याद रखोगे, ठीक है? तो कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो अधोमुखी युग्मक विखंडन, क्या है? अधोमुखी युग्मक विखंडन, ये याद रखना है, और लिस्मानिया डोनावानी याद रखना है, और प्रोटोजोआ से होता है। और इसमें आता क्या, तेज बुखार आता है, किसमें? कालाजार में। अगला क्वेश्चन 598 नंबर का, कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान हम हमारी मांसपेशी की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है? मतलब जब ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो 6 कार्बन अणु खालिस्तान कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो 6 कार्बन अणु परिवर्तित हो जाते हैं 3 कार्बन अणु में, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर होगा क्या राइट आंसर, ये आपको याद रखना है, ठीक है? इतना याद रख पाओगे
ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु में परिवर्तित होते हैं। कब? जब ऑक्सीजन की कमी है तब की बात हो रही है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब 3-4 पॉइंट जब मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ कि ग्लूकोज, ठीक है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP ऊर्जा बनती है, तो 38 ATP ऊर्जा बनती है। ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP ऊर्जा बनती है, ये आपको याद रखना है। अगली कंडीशन ये याद रखना है कि जो श्वसन क्रिया है, ठीक है, जो श्वसन क्रिया है वो होती है एक अपचयी अभिक्रिया, अपचयी अभिक्रिया होती है, ये आपको याद रखना है। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि श्वसन अभिक्रिया कैसी होती है, तो अपचयी अभिक्रिया होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अनाक्षी श्वसन में क्या होता है, तो अनाक्षी श्वसन जो होता है, ठीक है, अनाक्षी श्वसन में के अंत में पाइरूवेट अम्ल बनता है, ठीक है, अनाक्षी श्वसन के अंत में क्या बनता है, पाइरूवेट अम्ल बनता है, आपको याद है रखना है। और एक छोटा सी लाइन बोल रहा हूँ, अगर ये लाइन आप याद रखो तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, कि जो अनाक्षी श्वसन में, ठीक है, जो अनाक्षी श्वसन होता है, अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल बनाता है, ठीक है, जो अनाक्षी श्वसन होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है उसकी बात हो रही है, तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशी में क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल, जिसमें हमारे जोड़ दर्द करने लगते हैं। ये आपने देखा होगा, अगर आप रनिंग करने जाते हैं तो आपके जोड़ों में दर्द आता है, कारण ये है कि ग्लूकोज क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, आप अगर रनिंग कर रहे हैं तो ग्लूकोज क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो लैक्टिक अम्ल में, जिसमें हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया यीस्ट देखो, और अनाक्षी श्वसन में अगर बैक्टीरिया की बात करें, तो जब अनाक्षी श्वसन है मतलब ऑक्सीजन की कमी है, तो बैक्टीरिया यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल एल्कोहल में विघटित हो जाता है। तो क्या याद रखना कि जब अनाक्षी श्वसन हो रहा है, और अगर हमने कोई भोजन सड़ रहा है, समझना कि कोई भोजन है, उसमें आप क्या करिए, कुकर या गंजी उसे ढककर रख दीजिए, तो वह ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो वो क्या होगा, बैक्टीरिया जो होंगे यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल एल्कोहल में विघटित कर देंगे। आई होप जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ आप समझ पाए होंगे। फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकेंड। अगला क्वेश्चन 599, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कि यदि 60 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए हैं, मतलब ये एक वस्तु है, एक बल लगा है कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का, एक दूसरा बल लगा है कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना है, तो 10 और 5 कितना होता है, 15 न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा राइट आंसर, कि एक ही दिशा में 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो टोटल बल कितना होगा, तो 15 न्यूटन होगा। क्वेश्चन नंबर 600 जाएगा कि दंत चिकित्सा, ठीक है, दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब खालिस्तान होता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि जो दंत चिकित्सक जो होते हैं वो कोई भी आँख, कान, नाक, मुंह, इनकी अगर जांच करते हैं, तो जिस भी यंत्र का यूज़ करते हैं तो उसमें अवतल दर्पण का यूज़ होता है, यह सबसे पहला आपको इसको याद रखना है। तो ये क्यों यूज़ होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है अभिसारी लेकिन धुंधला, ठीक है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है अभिसारी एवं धुंधला, तो धुंधला तो बन ही नहीं सकता, अगर धुंधला बनता तो यूज़ क्यों करते। सेकंड ऑप्शन है अभिसारी और बड़ा, थर्ड ऑप्शन है वास्तविक लेकिन उल्टा, और फोर्थ ऑप्शन है वास्तविक और बड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड राइट आंसर, अभिसारी और बड़ा बनता है, मतलब बड़ा बनेगा तभी हम यूज़ करेंगे और अभिसारी बनता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 601 नंबर का, कि सोडियम से क्लोरीन, ठीक है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये पता होना कि पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा पीरियोडिक टेबल, और इस पीरियोडिक टेबल में हमें क्या बोला है कि सोडियम से, तो यहाँ पर होता है सोडियम Na, और इधर जाएंगे तो यहाँ पर होता है क्लोरीन, तो सोडियम से क्लोरीन की ओर अगर जाएंगे, तो मैंने ये बताया था कि जब भी लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो परमाणु का आकार घटता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा क्या, राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो सोडियम की बात हुई तो सोडियम का संकेत क्या होता है, Na, परमाणु क्रमांक कितना होता है सोडियम का, तो याद रखना कितना होता है, 11, और परमाणु द्रव्यमान पूछा जाए तो 13, क्लोरीन की बात हुई तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, और परमाणु भार होता है इसका 35.5, किसका, क्लोरीन का, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 602 नंबर का, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला क्या होता है, CaOH2, ठीक है, तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला, उसी के बारे में बात हो रही है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गुजर रही है, तो CaOH2 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है, इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है, तो बनने वाला अवक्षेप का रंग कैसा होता है, तो ये होता है सफ़ेद रंग का, ठीक है, याद रखिएगा सफ़ेद रंग का। अब देखो मैं इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ, आपने देखा होगा कि आपके आसपास या आपके घर में अगर आप पोतने वाला चूने का इस्तेमाल करते हैं, कि हम मार्केट से चूना खरीद के लाते हैं जिससे पुताई की जाती है घर की, जब वो चूना पुताई करने के लिए लाता है तो लाया जाता है तो वो होता है CaO, उसका फॉर्मूला क्या होता है CaO, जो बोरी हम मार्केट से लेके आए हैं, जब हम उसे पुताई करने के लिए उसमें पानी मिलाते हैं तो वो बन जाता है CaO
ओ एच होल्डाइज बन जाता है, सॉरी सी ए ओ एच होल्डाइज बन जाता है। तो ये कब हुआ, जब हम पोतने के लिए हमने पानी मिलाया उसके बाद ये बना। तो इसे क्या कहा जाता है, सबसे पहले सी ए ओ याद रखना, इसे कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना, और जब हमने पानी मिला दिया तो सी ए ओ एच होल्डाइज बना, तो इसे बोलेंगे बुझा हुआ चूना। अब इसमें क्या होता है कि जब हमने दीवार में पोत दिया तो क्या होता है, जो वायुमंडल में पाई जाने वाली सी ओ टू है जब इससे क्रिया करती है, तो आपने देखा होगा कि जब आप पुताई करते हैं तब दीवार नहीं चमकती, पर 2-3 दिन में दीवार चमकने लगती है। तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ओ टू की जब क्रिया करता है, सी ओ टू जो वायुमंडल में पाया जा रहा है उससे क्रिया करता है, तो हमारी दीवार चमकने लगती है, मतलब सफ़ेद कलर की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या राइट आंसर। आई होप इन तीनों चारों चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। और अगर आपसे पूछ ले कि ये सी ओ टू से क्रिया करके क्या बनाएगा, तो सी ए सी ओ थ्री का निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये भी अगर आप याद रखें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया होती है सी ओ टू की, तो क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है सी ए सी ओ थ्री। अगला क्वेश्चन 602 नंबर का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। विमा आपने पढ़ी होगी, विमी सूत्र वगैरह। तो त्वरण की विमा खालिस्तान होती है, तो त्वरण बराबर ए बराबर से क्या होता है, तो वी अपॉन टी होता है, ठीक है। और वी बराबर से क्या होता है, तो डी अपॉन टी होता है। ये आपको याद होगा, डी अपॉन टी होता है। तो ए बराबर से वी की जगह क्या लिखेंगे, डी अपॉन टी, तो पहले से बटे में एक और टी है, तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो डी मतलब क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टी का टी में गुणा होगा तो टी का क्या हो जाएगा, वर्ग। सॉल्व करेंगे तो एल और टी माइनस क्या हो जाएगा, टू। तो एल टी माइनस टू त्वरण का विमी सूत्र होता है, तो एल वन और टी माइनस टू, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। एल वन एन जीरो टी माइनस टू क्या होता है, त्वरण का विमी सूत्र। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना कि वेग बराबर से होता है डी अपॉन टी मतलब विस्थापन बटे समय, त्वरण बराबर से होता है वेग बटे समय। सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 604 की, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप खालिस्तान होता है, ठीक है। मतलब एक ये सतह है, ठीक है, ये एक सतह हो गई, और एक दूसरी सतह हम ले लेते हैं ये वाली, ठीक है, एक दूसरी सतह ले लेते हैं ये वाली। तो दो सतह के बीच अनियमितता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक हो क्या रहा है, आप समझ रहे होंगे कि आप अगर जमीन पर चल रहे तो होता क्या है, घर्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो 604 नंबर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी ये भी 604 था, कोई बात नहीं, और ये भी क्या है 604 देख लेते हैं। तो खालिस्तान एक जटिल स्थायी ऊतक है, हमसे ये पूछा गया है, इनमें कौन सा एक जटिल भी है और स्थायी ऊतक है, इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कोलेन काइमा, सेकेंड ऑप्शन है पेरेन काइमा, थर्ड ऑप्शन है स्क्लेरेन काइमा, और फोर्थ ऑप्शन है जाइलम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक जटिल स्थायी ऊतक पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। जो जाइलम होता है वह एक जटिल स्थायी ऊतक होता है, ठीक है। तो जटिल स्थायी ऊतक अगर किसे कहा जाता है, अगर ये आपसे पूछ ले जाए, तो जब दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर जो ऊतक बनता है उसे जटिल स्थायी ऊतक बोलते हैं, और वो क्या होता है, जाइलम होता है, ठीक है। और जाइलम आपको पता होगा कि अगर कोई पौधा है तो पौधे में जमीन से पानी H2O और खनिज अगर पहुँचाता है, तो पूरे पौधों के विभिन्न भागों तक कौन पहुँचाता है, जाइलम। और पत्तियों में जब भोजन का निर्माण हो चुका होता है, तो उसे पौधों के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, तो फ्लोएम पहुंचाता है, याद रखना है। और जाइलम को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे दारू कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 605 नंबर का, कि निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा गया, तो पहला ऑप्शन है CH2, सेकेंड ऑप्शन है C2H2, थर्ड ऑप्शन है C2H4, और फोर्थ ऑप्शन है C2H6। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो C2H6। तो आपको यह याद रखना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, क्या, CnH2n+2। और इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले को कहा जाता है एल्केन ग्रुप, क्या कहा जाता है, एल्केन ग्रुप, क्या कहा जाता है, तो एल्केन ग्रुप कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है एल्केन ग्रुप को, जिसे बोलते हैं पैराफीन, क्या कहा जाता है, पैराफीन के नाम से भी जाना जाता है। तो एल्केन ग्रुप को पैराफीन के भी नाम से जाना जाता है, और इन्हें कहा जाता है क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, तो CnH2n+2, ये आपको याद रखना है। तो देखो CnH2n+2 से बनते क्या है, तो सबसे पहले बनता है क्या, मेथेन बनता है, सेकंड में क्या बनता है, तो एथेन बनता है, मेथेन एथेन, फिर क्या बनता है, तो प्रोपेन बनता है, प्रोपेन के बाद क्या बनता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद बनता है पेंटेन, पेंटेन के बाद क्या बनता है, तो हेक्सेन, ये आपको याद रखना है, हेक्सेन के बाद क्या बनता है, तो हेप्टेन बनता है, हेप्टेन के बाद बनता है ऑक्टेन, ऑक्टेन के बाद बनता है नोनेन, और फिर बनता है डीकेन। याद रखना कि ये एल्केन श्रेणी है, सबसे पहले मेथेन, फिर एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन,
हैप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन ये होते हैं, और ये सबके सब क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 606 की निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑप्शन अगर देखें तो हम पहला है क्लोरीन, सेकंड है एल्यूमिनियम, थर्ड है सल्फर और फोर्थ ऑप्शन है फास्फोरस। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर क्लोरीन। अगर इसी ऑप्शन में कहीं फ्लोरीन दिया होता तो सबसे अधिक फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, परंतु यहाँ ऑप्शन में फ्लोरीन नहीं दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या राइट आंसर क्लोरीन, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ठीक है, और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी होती है, अगर अभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की सबसे अधिक होती है, और सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होता है, तो फ्लोरीन होता है। और क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों 17वें समूह के तत्व है, और इन दोनों को यह 17वें समूह के तत्वों को हम हैलोजन तत्व के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 607 की, एक घर में, ठीक है, एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट ऊर्जा की खपत होती है। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि ऊर्जा बराबर से, ठीक है, जो घर में ऊर्जा यूज़ होती है तो ऊर्जा बराबर से होता है शक्ति, ठीक है, शक्ति गुणित समय, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा था, और बटे में कितना होता है 1000। ये शायद आपको याद होगा कि घर में जो यूज़ होती है यूनिट, तो यूनिट जो ऊर्जा निकालती है, तो ऊर्जा बराबर से शक्ति गुणित समय बटे 1000 होता है, ये आपको याद होगा। तो क्वेश्चन वापस से पढ़ो कि एक घर में एक महीने में 150 यूनिट ऊर्जा का प्रयोग होता है, जूल में इस ऊर्जा का मात्रा कितना है। तो सबसे पहले मैं दो चीज़ें जो बोल रहा हूँ आप इसे अगर याद रखोगे तो ही इसे सॉल्व कर पाओगे। तो आप ये याद रखना कि जो एक यूनिट ऊर्जा बराबर से, ठीक है, एक यूनिट ऊर्जा बराबर से होता है 3.6 × 10⁵ जूल होता है। ठीक है, तो एक यूनिट ऊर्जा बराबर से कितना होता है, तो 3.6 × 10⁵ जूल ऊर्जा होती है। और हमसे कितने यूनिट ऊर्जा की बात करी है, तो 150। तो अगर मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में 150 का गुणा कर दूँ तो राइट हैंड साइड में भी 150 का गुणा होगा। तो हम ये अब इधर बोल सकते हैं कि 150 यूनिट और 150 यूनिट बराबर से जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो आ जाएगा कितना 5.4 × 10⁸ जूल। तो हम ये बोल सकते हैं 150 यूनिट ऊर्जा में कितने जूल ऊर्जा खर्च होगी, तो 5.4 × 10⁸ जूल, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा क्या राइट आंसर। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, ये वाली एक यूनिट बराबर से इतना जूल आपको याद है रखना है। कहाँ से आया, तो कभी अगर मैं क्लास लूँ, ठीक है, बोर्ड पे, तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है 608 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनिक ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें किसमें उच्च आयनिक ऊर्जा होती है, ये हमसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है नियॉन, सेकंड ऑप्शन है क्रिप्टॉन, थर्ड ऑप्शन है आर्गन, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर हीलियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, कि जो हीलियम होता है, एच ई को बोलते हैं क्या हीलियम, तो हीलियम में उच्च आयनिक ऊर्जा होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एन ई मतलब होता है नियॉन, के आर मतलब क्रिप्टॉन, और ए आर मतलब आर्गन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ ये याद रख लो कि उच्च आयनिक ऊर्जा किसकी होगी, तो हीलियम की, और सबसे कम आयनिक ऊर्जा की बात करें तो फ्रांसियम की होती है। याद अगर याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है, कि निम्नतम आयनिक ऊर्जा अगर बात करें पूरे पीरियोडिक टेबल में तो फ्रांसियम की होती है, और उच्चतम आयनिक ऊर्जा होती है किसकी, हीलियम की। अगला क्वेश्चन 609 नंबर का, कि जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसे उसकी संयोजकता खालिस्तान होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई ये परमाणु हो गया और ये इसकी बाह्यतम कक्षा है। ठीक है, तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता खालिस्तान होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 7 और फोर्थ ऑप्शन है 8। ठीक है, तो देखो जब कक्षा पूरी भरी हुई होगी तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, तो उसकी संयोजकता होगी 0, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। कुछ लोगों ने इसे फोर्थ लगाया होगा जो कि गलत है। संयोजकता मैक्सिमम हो सकती है 7 तक। ठीक है, संयोजकता अगर कितनी हो सकती है मैक्सिमम, आपसे हम पूछ ले कि मैक्सिमम संयोजकता कितनी हो सकती है, तो 7 हो सकती है। पर तो अगर कक्षा फुल हो चुका है, बाहरी सबसे बाह्यतम कक्षा अगर पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो संयोजकता कितनी होगी, 0 होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 610 कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान ही पा सका। ठीक है, सॉरी ही पा सका नहीं, नहीं पा सका होगा, है ना, यहाँ पर समझो क्वेश्चन ऐसा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है मेंडेलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन है सल्फर, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी ना उसमें हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर राइट आंसर। और मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में आप जानते होंगे, तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी कब, 1869 में दी थी, परंतु इसे पहली बार पत्रिका में 1872 में छापा गया था। ठीक है, और मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल तत्वों की संख्या कितनी थी, तो 56 थी। कितनी, 56 या सॉरी एक मिनट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल 63 तत्व थे। कितने, 63, और जो 56 थे ना वो डोबे ये थे न्यूलैंड के अष्टक नियम में। तो आप याद रखना कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल 63 तत्व थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 611 कि प्रोटीन संश्लेषण की में सॉरी प्रोटीन संश्लेषण में चार इवेंट से एक खालिस्तान का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में चार इवेंट से एक खालिस्तान का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन है आरएनए प्रति, सेकंड ऑप्शन है डीएनए प्रति, थर्ड ऑप्शन है आरएनए और डीएनए और आरएनए प्रति, और फोर्थ ऑप्शन है एमआरएनए प्रति। तो प्रोटीन संश्लेषण में चार इवेंट से एक खालिस्तान का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है। ठीक है, तो 11वें का ऑप्शन नंबर क्या है, डी है राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अब बात हो रही है आरएनए की। ठीक है, आरएनए, तो आरएनए का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है राइबोसोम में। ठीक है, राइबोसोम में आरएनए का क्या होता है, निर्माण होता है, और राइबोसोम जो होता है ना इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक छोटी सी बात याद रख लेना कि जो डीएनए होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। और डीएनए क्या होता है कि जो हमारी रक्त में जो कोशिका होती है उसके केंद्रक में तो पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, पर इसके अलावा माइटोकांड्रिया और हरित लवक, ठीक है, माइटोकांड्रिया और हरित लवक में भी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ये स्पेशली आपको याद रखना, पेपर में पूछा गया है कि डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ और विद्यमान होता है, तो माइटोकांड्रिया में और हरित लवक में खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 612 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ताप पर आसानी से ऑक्सीकृत या जलता नहीं है, मतलब इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जो कि उच्च ताप पर आसानी से नहीं जलती है या ऑक्सीकृत नहीं होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है मिश्र धातु, सेकंड ऑप्शन है अर्धचालक, थर्ड ऑप्शन है सुचालक और फोर्थ ऑप्शन है कुचालक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर, जो मिश्र धातु होती है वो आसानी से नहीं जलती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अर्धचालक किसे बोलते हैं, अगर ऐसी बात हो आपको अगर ना पता, तो अर्धचालक ऐसा चालक है कि कोई एक पदार्थ, एक प्रकार का जो जर्मेनियम सिलिकॉन आपने पढ़ रखे होंगे, तो ये अर्धचालक होते हैं, इनसे विद्युत धारा पूरी प्रवाहित ना होकर कम प्रवाहित होती है। ठीक है, इसे अर्धचालक बोलते हैं। और सुचालक का मतलब होता है कि इसमें से पूरी विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कुचालक में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन 613 नंबर का कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एक कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है घ्राण सूचक, थर्ड ऑप्शन है संश्लेषित सूचक, थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक सूचक और फोर्थ ऑप्शन है अम्ल क्षार सूचक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा राइट आंसर, घ्राण सूचक कहा जाता है। तो देखो चार पांच लाइन जो मैं बोल रहा हूँ आप इन्हें याद रखिए कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे घ्राण सूचक, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं अल्फेंट्री। ठीक है, अल्फेंट्री सूचक कहा जाता है। ठीक है, तो घ्राण सूचक या फिर इसे हम बोल सकते हैं अल्फेंट्री सूचक कहा जाता है। ठीक है, और वह विलयन जो अम्ल या क्षार, ठीक है, ये जो घ्राण सूचक होता क्या है इसके बारे में सुन लो पहले, कि वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्रा को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में परिवर्तित किए बिना अवशोषित कर लेता है उसे बफर विलयन कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फाइनली फर्स्ट इसका राइट आंसर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्फेंट्री सूचक। अगला क्वेश्चन 614 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत स्थायी ऊतक नहीं है। तो यहाँ पर दे रखा है कि सतत स्थायी ऊतक नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, सेकंड ऑप्शन है जाइलम, थर्ड ऑप्शन है कोलेनकाइमा और फोर्थ ऑप्शन है कैम्बियम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि जाइलम एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, एक जटिल स्थायी ऊतक है। यहाँ पर सतत लिखा, वैसे सरल आएगा। ठीक है, सरल, तो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है, तो जाइलम होगा राइट आंसर, क्योंकि जो जाइलम है वो जटिल स्थायी ऊतक का उदाहरण है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 615
कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। मतलब जब स्टार्टिंग मतलब मान लो आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले तो आप जीरो पे थे ना, फिर उसके बाद आपकी गति बढ़ी। तो क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार की एक इसी है, ऐसा ही है कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यदि वह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती तो इसका त्वरण क्या होगा। तो त्वरण का फॉर्मूला आप याद रखना कि मैंने एक बताया था ए बराबर से वी अपॉन टी होता है, ठीक है। परंतु जब ये दो अलग अलग चालों मतलब एक प्रारंभिक चाल और एक अंतिम चाल, तो उस कंडीशन में त्वरण का मात्रक ए बराबर से हो जाता है वी माइनस यू अपॉन टी हो जाता है, ठीक है। वी माइनस यू अपॉन टी, तो ए है यहाँ पर त्वरण, और देखो एक मिनट, ए बराबर से होता है वी माइनस यू अपॉन टी, ये त्वरण का सूत्र है, ठीक है। जब अलग दो अलग अलग चाल दी हो, तो ए है यहाँ पर त्वरण, वी है अंतिम वेग, यू है प्रारंभिक वेग, टी है समय। तो देखो त्वरण यहाँ पर हमें क्या दिया है कि मीटर प्राप्त कर लेते हैं, उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ए का मान हमसे पूछा गया है, वी मतलब अंतिम वेग, तो अंतिम वेग कितना है, देखो प्रारंभिक वेग कितना था, विराम अवस्था, एक वस्तु स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है मतलब प्रारंभ में इसका वेग कितना था, जीरो। कितने कहाँ तक चल चुकी है वो, 5 तक, कहाँ से, जीरो से। तो जीरो है प्रारंभिक वेग, 5 है अंतिम वेग, और समय कितना लिया, 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड। तो सॉल्व करेंगे तो ए का माना जाएगा कितना, 2.5, ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड थर्ड हो जाएगा यहाँ पर क्या राइट आंसर, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले याद रखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। 9th क्लास की एनसीईआरटी में सब कुछ मिलेगा, ये भी 9th क्लास का ही क्वेश्चन है, 616 नंबर का, कि विट्टेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आपको सबसे पहला तो ये याद रखना कि विट्टेकर ने जो प्लांट किंगडम को कितने भागों में बांटा गया था, तो 5 भागों में बांटा गया था, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, अब ये देखो कि विट्टेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है फंगी, सेकंड ऑप्शन है प्रोटोजोवा, थर्ड है प्रोटेस्टा, फोर्थ ऑप्शन है एनीमिलिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, कि जो प्रोटोजोवा है वो 5 किंगडम जिसमें विट्टेकर ने बांटा था वो उसके अंतर्गत प्रोटोजोवा नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 617, कि एक वस्तु 10 न्यूटन, सॉरी, एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है। तो गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है 1/2 mv², ठीक है। तो 1/2 का 1/2, m मतलब होता है द्रव्यमान कितना है 10, v का मतलब होता है वेग, वेग v का मान कितना है 5, तो 5, और यहाँ वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग कर दो। सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे 5 बार, तो 5 × 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, तो 25 × 5 = 125। तो फाइनली आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर, फॉर्मूले मान रखना है डायरेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 618 नंबर का, कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। यह हमसे पूछा गया कि विसरण के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमसे यहाँ पर नहीं है जो गलत है वो वाला पूछा गया है, तो ये पहला बिल्कुल सही है कि विसरण तभी होता है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। सेकेंड है गैसों में विसरण की दर ठोस द्रव की तुलना में अधिक होती है, तो बिल्कुल सही है, जो गैस होते हैं ना इसमें विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। थर्ड ऑप्शन है गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, तो जो पूछा गया था कि कौन सा गलत है, तो वो यही होगा राइट आंसर, ये यहां पर गलत है और गलत ही पूछा गया था। तो राइट आंसर होगा कि गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है जबकि आयतन पर डिपेंड नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है क्या यहां पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 619 की मुक्त रूप से गिरना केवल खालिस्तान में संभव है, ठीक है। तो अगर देखो ये आपने सुना होगा हमेशा कि मुक्त रूप से गिरना केवल खालिस्तान में संभव है, तो पहला ऑप्शन है वातावरण, सेकंड ऑप्शन है वायु, थर्ड ऑप्शन है समुद्र, और फोर्थ ऑप्शन है निर्वात। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राइट आंसर, कि केवल और केवल निर्वात में ही मुक्त रूप से गिरा जा सकता है। बाकी अगर आप अगर मान लो छत पे चढ़ के आप कूदना चाह रहे हैं, तो आपको वायु का घर्षण से सामना करना पड़ेगा, वायु का कुछ घर्षण होगा। अगर आप अपने मोबाइल को उठाकर फेंक रहे होंगे तो उसमें भी वायु का घर्षण लगेगा। तो हर जगह घर्षण काम करता है, पर निर्वात में कुछ होता ही नहीं है, तो घर्षण काम नहीं करेगा, तो मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव हो सकता है, बाकी जगह नहीं। अगला क्वेश्चन है 620 नंबर का, कि शक्ति को किस रूप से व्याख्यित किया जा सकता है। तो शक्ति बराबर से क्या होता है, तो कार्य बटे समय होता है। तो देखो भार बढ़ने के लिए आरोपित बल, सेकेंड है कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरित की दर, थर्ड ऑप्शन है 1 मिनट में किया गया कार्य, और फोर्थ ऑप्शन है ऊर्जा स्थानांतरण
में किया गया कार्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा क्या, कार्य करने की दर को भी शक्ति कहते हैं या ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को भी क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा क्या राइट आंसर, ठीक है। और शक्ति को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी बराबर से डब्ल्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है शक्ति का, और डब्ल्यू यहाँ कार्य है, टी है समय, और पी हो जाएगा शक्ति, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।